तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, अभेद रत्नत्रय ही तीनों लोक में सारभूत है, क्योंकि वही साक्षात निर्वाण का कारण है। अभेद रत्नत्रय यानी वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक चारित्र और निर्विकल्प ज्ञान विज्ञान। वो शिव स्वरूप है, स्वयं कल्याण रूप है और शिवकारी है, मोक्ष का कारण है। उसको तीन योग संभाल कर, माने मन वचन काय को स्थिर करके नमस्कार करते हैं। फिर पहली ढाल में प्रारंभ जो किया है, वहां पर पंडित दौलत राम जी ने गुरु महाराज भव्य जीवों को कुछ सीख सिखाना चाह रहे हैं, कुछ सीख देना चाहते हैं, तो उसमें प्रारंभ किया कि संसार में जितने जीव हैं, अनंत जीव हैं, वो सारे दुखों से डरने वाले हैं और सुख को चाहने वाले हैं। इसलिए दुखहारी और सुखकारी कोई सीख करुणाधारी गुरुवर देते हैं। इसलिए भव्य जीवों, उस सीख को मन स्थिर करके सुनो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। फिर सीख क्या दे रहे हैं कि जीव संसार में, पहली ढाल में पूरा यही वर्णन है, मोह रूपी मदिरा को पीकर, और मोह रूपी मदिरा सामान्य मदिरा नहीं, महामद, बड़ा भारी नशा उत्पन्न करने वाली मोह रूपी मदिरा को पीकर जीव संसार में अपने आप को भूल गया। शराबी व्यक्ति कई बार अपने आप को भूल जाता है नशे में, उसको ख्याल नहीं रहता मैं कौन हूँ। कभी कभी बोलता है कि मैं मोहम्मद अली हूँ, कभी बोलता है कि मैं अनिल कुंबले हूँ, कभी बोलता है कि मैं ही सचिन तेंदुलकर हूँ। नशे में होश थोड़ी रहता। इसी प्रकार ये जीव अपने आप को मोह के नशे में भूल गया और व्यर्थ भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इसने भटकते 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 कहाँ कहाँ भटका, उसका चित्रण किया चारों गतियों में। बहुत लंबी कथा है, लेकिन जैसे मुनियों ने बताया है संसार के जीव, संसारी जीव के भ्रमण को, तो उसमें से कुछ संक्षिप्त वर्णन छह ढाला की पहली ढाल में पंडित जी ने किया है। निगोद से लेकर चारों गतियों में भटकता हुआ वापस स्थावर पर्याय में चला जाता है, ये भ्रमण की कथा है। और भ्रमण में कितने दुख प्राप्त करता है उसका भी वर्णन चारों गतियों के अंतर्गत कर दिया। फिर इसके पश्चात दूसरी ढाल में बताया कि आखिर इस भटकने का कोई कारण तो होना चाहिए। ये तो ठीक है कि मोह रूपी मदिरा को पीकर भटक रहा है, लेकिन संसार के दुखों का, संसार के भ्रमण का कारण क्या है? तो बोले कि वही मोह से ही संबंध रखने वाला कारण है, वो है मिथ्यात्व, जो दो प्रकार का है, गृहित और अगृहित। और उस मिथ्यात्व में भी एक श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन, फिर एक मिथ्या ज्ञान और एक मिथ्या चारित्र है। तो अगृहित मिथ्यात्व के साथ क्या होता है कि बिना किसी के सिखाए, बिना कुछ पढ़े लिखे, बिना किसी की संगति में गए, अंदर अपने आप मिथ्यात्व के उदय में तत्वों के प्रति श्रद्धा विचलित रहती है, उसको पहचान नहीं होती तत्वों की, तो वो अगृहित है। उसके साथ जो ज्ञान होता है और जो आचरण होता है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र की श्रेणी में आता है। और गृहित वो है जो संगति में अथवा किसी के उपदेश को सुनकर अथवा कुछ पढ़ करके अपने अंदर मान्यताएं बन जाती है, वो गृहित है। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने निषेध किया कि कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इनका सेवन छोड़ दो, क्योंकि इनके सेवन से गृहित मिथ्यात्व बना रहेगा और कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अगृहित मिथ्यात्व तो फिर भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन गृहित मिथ्यात्व जिसका जमा हुआ है उसको छुटकारा मिलना मुश्किल है। और वो कभी इतर संप्रदायों से भी गृहित मिथ्यात्व हो जाता है, कभी जैन संप्रदाय में ही किसी की कोई ऐसी विपरीत धारणा बन जाए और फिर वो सामने वाले को सिखा दे कि भाई ऐसा ऐसा धर्म है, तो जैन धर्म का अन्यथा रूप बतला दे उसको, और वो समझता है कि यही जैन धर्म है और ऐसी विपरीत श्रद्धा उसके अंदर बन जाती है, तो वो भी एक प्रकार का गृहित मिथ्यात्व हो जाता है, क्योंकि उपदेश से उसने सीखा है। फिर तीसरी ढाल में इन्होंने समाधान निकाला
अब ठीक है, भटक रहे हैं अनादिकाल से, बहुत दुख भोग रहे हैं और कारण भी समझ में आ गया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र है, तो फिर अब छुटकारा कैसे मिले, आत्मा का कल्याण कैसे हो? तो पहले तो ये समझो कि आत्मा क्या है और फिर कल्याण क्या है, ये दोनों चीज़ें समझ लो। तो आत्मा तो आत्म को है, चेतन को है उपयोग रूप। दूसरी ढाल में बतला दिया था कि ज्ञान स्वरूप ही है, चेतना इसका गुण है। तो आत्मा की पहचान हो गई, अनात्मा को पहचाना, फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसको अंगीकार करो तो फिर संसार से बेड़ा पार होता है। तो यहाँ पर निश्चय सम्यक, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चरित्र और व्यवहार सम्यक, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चरित्र। तो इसमें निश्चय तो जो होता है वो कार्य रूप होता है और व्यवहार जो होता है उसकी निश्चय की प्राप्ति में जो कारण बनता है उसको कहते हैं। तो फिर व्यवहार सम्यक्त का वर्णन करते हुए कहा कि सात तत्वार्थों पर श्रद्धान करना, और सात तत्वों में फिर पहले जीव तत्व की बात चली। जीव तत्व में उसके तीन प्रकार बतलाए, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, फिर उनका भी वर्णन हो गया। इसके पश्चात अजीव तत्व का वर्णन किया, और अजीव तत्व में पांच द्रव्य हैं। अजीव कौन कौन है? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। तो इनका भी स्वरूप बतला दिया। इसके बाद कहा कि आश्रव से भी बच के रहना है। आश्रव नाम का एक तत्व है, उसको भी समझो। तो आश्रव तत्व क्या है? मन, वचन, काय, इनकी प्रवृत्ति। तो इनसे क्या होता है? कर्मों का आगमन होता है। जीव का अजीव के साथ बंधन कैसे होता है? आश्रव से। तो मिथ्यात्व, तो अविरति, कषाय और प्रमाद, तो ये पांच प्रकार के आश्रव बतला दिए, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब छंद के कारण क्रम इसमें अलग लिखा गया है, पहले योग दे दिया, फिर मिथ्या, अविरत, कषाय, प्रमाद, ऐसा ले लिया। तो इनसे सहित जो उपयोग होता है वो आश्रव परिणाम हो जाता है, और ये आत्मा के लिए दुख के कारण है। आश्रव, आश्रव तत्व कोई अपने लिए कल्याणकारी नहीं है, दुख के कारण है, इसलिए इनको तजिए। मिथ्यात्व को छोड़ दो, अविरति को छोड़ो, प्रमाद को छोड़ो, कषाय को छोड़ो, और अंत में योग को भी छोड़ दो। और फिर जब कर्मों के साथ जीव के प्रदेश बंधन को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कर्म के परमाणु और आत्मा के प्रदेश, ये जब एक मेक हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तब वो बंधन कहलाता है। तो बंधन कबहू न सजिए, अपने आप को इस बंधन से मत सजाओ। एक लोहे की बेड़ी होती है, एक सोने की बेड़ी होती है। लोहे की बेड़ी उस कैदी के हाथ में डाली जाती है जिसने कोई अपराध किया है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो राग भी अपने आप में एक अपराध है। इसलिए जो रागी जीव सोने के आभूषण पहनते हैं वो उनकी सोने की बेड़ी है। नहीं, इसमें देखो व्यावहारिक जगत में क्या व्यवस्था है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ एक जानकारी दे रहे हैं कि वो बंधन है कि नहीं, बता दो। बंधन ना हो तो फिर अपन इस पर विचार करें, बंधन है वो, इसलिए वो रागी जीव का बंधन, और फिर वो जिसने किसी का खून किया या फिर चोरी की है या और कोई अपराध किया है तो वहां पर उसको लोहे की बेड़ी डाली जाती है, बंधन दोनों है। तो इसलिए इनसे कबहू ना सजिए। अब वो चोर अगर सोचे कि क्या आभूषण पहना है मेरे को पुलिस वालों ने, और फिर बाकी लोग जो आभूषण होते हैं उनको पहन करके सोचते हैं कि देखो क्या सुंदर आभूषण है मेरे पास, बाकी आभूषण क्या है, वो तो पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय मात्र है। अपन राग के कारण उससे बंध गए हैं और फिर उसको अपने शरीर के साथ जोड़ लिया है। शम दमते जो कर्म नावे, संवर किसको कहते हैं? अजीव का जीव में जो प्रवेश हो रहा है, प्रवेश द्वार आस्त्रव है, और प्रवेश करके जो बंधन हो जाता है वो अजीव ठहर जाता है जीव में, उसका नाम बंध है, और उस प्रवेश को रोक देना संवर है। और जो अंदर ठहरा हुआ है कर्म, उसको पृथक करना, थोड़ा थोड़ा पृथक करना, वो निर्जरा है,
वो तपस्या से होती है, और संवर जो होता है शम दम से, शम यानी शांत परिणाम और दम यानी संयम, इनसे होता है। और सर्व कर्मों से रहित जो अवस्था होती है उसका नाम मोक्ष है। इस प्रकार तत्वों की जो श्रद्धा होती है उसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। और जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके लिए जिनेन्द्र भगवान देव है, परमात्मा है, आराध्य है। और जिनेन्द्र आराध्य है तो जिनेन्द्र से जो अगली श्रेणी है वो निश्चित रूप से आराध्य है, सिद्ध भगवान। और गुरु कौन है? जो परिग्रहों से रहित है। जिनके पास परिग्रहों का प्रपंच हो उनको यदि गुरु माना जाए तो फिर गुरु में और शिष्य में क्या फर्क रहेगा? लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। इसलिए गुरु ऐसा बनाओ, पहले तो गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान, कबीरदास जी का दोहा है। गुरु बनाने के पहले खूब परीक्षा ले लो, बार बार देख लो, हर प्रसंग में देख लो, खूब अच्छे से पहचान लो। एक मनोवैज्ञानिक ने लिखा है कि आप अगर किसी के साथ जीवन भर का रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब वो उसने व्यावहारिक जगत की बात कही है, लेकिन उसका कहना यह है कि आप जिसकी बातों को सुनते सुनते कभी न थकते हो, मानो वो कितनी भी बातें करे आपको सुन करके कभी थकान ना आए, तो समझना कि इसके साथ मेरी मित्रता अच्छी हो सकती है। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि अवसर पाकर भी जिसके प्रति अपने मन में कोई अनुचित लाभ लेने की इच्छा न होती हो, समझ में आ रही भाषा, है ना, अपने को मौका मिल रहा है कि उससे अपन कोई भी फायदा उठा सकते हैं लेकिन फिर भी अपनी भावना वैसी न होती हो, तो समझना कि वो मित्र बनाने लायक व्यक्ति है। क्योंकि आप उसके प्रति इतने ईमानदार हैं और उसका भी ऐसा व्यक्तित्व है कि आपके अंदर वैसे भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि 5 वर्षों तक जिसके गुण और अवगुण आपने पहचान लिए हों उसको आप अपना श्रेष्ठ मित्र बना सकते हैं, और गुण अवगुण पहचानने के बाद भी आपको जिससे घृणा न होती हो उसको आप अपना मित्र बना सकते हैं, उसको आप अपना गुरु बना सकते हैं। तो परीक्षा पहले बहुत अच्छी तरह से कर लेना, देख लेना उनमें क्या क्या प्रकृति है, उनकी कैसी क्या प्रवृत्ति है, और उसके बाद में फिर क्या कि फिर बाद में शिकायत करने से कोई मतलब नहीं है। एक बार आपने बना लिया, यहाँ क्या है कि गुरु बना करके फिर आप डाइवोर्स करोगे तो फिर कोई काम नहीं होने वाला है। कितने गुरु बदलोगे आप बताओ? जैसे लौकिक क्षेत्र में तो विवाह करने के बाद तलाक हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपने एक गुरु बनाया फिर उनको बदला, फिर वहाँ कुछ चीज़ आपको नहीं जमी तो उनको बदला, कितने गुरु बदलोगे? कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार डॉक्टर के साथ भी समस्या आती है, पहले देख लो आपके कौन सा डॉक्टर भरोसेमंद है और उसके बाद जाकर के इलाज कराओ। आप इधर भी इलाज करा रहे, उधर भी करा रहे, उधर भी करा रहे, 20 साल निकल गए लेकिन डॉक्टर ही बदलते जा रहे हैं, अभी तक रोगी पकड़ में नहीं आ रहा है। और फिर जब तक एक डॉक्टर आपके रोग को पकड़ना चाहेगा तब तक आपका मन इतना चंचल है कि आप वहां से भाग कर दूसरी जगह चले जाओगे। फिर दूसरा जब तक जांच करते करते 1 साल 2 साल जब वो देखने लगेगा तो उस बीच आपका मन फिर भटक जाता है, आप कहीं और चले जाते हैं। तो किसी डॉक्टर को आपका रोग पकड़ में नहीं आएगा और जीवन वैसे ही निकल जाएगा। इसलिए गुरु परिग्रह बिन, परिग्रह रहित गुरु होने चाहिए, उनकी अच्छे से पहले पहचान कर लो। और पहचान क्या है उसमें, मतलब जो वो कहते हैं वो उनके जीवन में है या नहीं, बहुत बड़ी पहचान है। जो गुरु कह रहे हैं वो उनके जीवन में है या नहीं ये देख लो। अगर उनके जीवन में है तो समझना कि बहुत दुर्लभ व्यक्ति हमें संसार में मिला है, कि जो बोल रहा है वो उसके जीवन में भी है। क्योंकि जन सामान्य जो है संसार में, अधिकांश लोग ऐसे होते हैं
कि बोलते कुछ है और करते कुछ है, लेकिन अगर ऐसे कोई मिल जाए गुरु की जिनकी वाणी और जीवन में समानता हो तो फिर भाग्यशाली समझना अपने आप को। पर धर्म दया जुत सारो, धर्म जो है वो दया से सहित होना चाहिए और सारभूत होना चाहिए, असार नहीं होना चाहिए। कई लोग धर्म को तो मानते हैं लेकिन वो मानव धर्म तक की सीमा बना करके रखते हैं। और जैनी लोग जो हैं वो थोड़ा मानव धर्म से और ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ियों में कई लोग फिर ढीले पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, सब जीवों पर दया करना चाहिए, लेकिन अगर पड़ोसी परेशान हो रहा है या फिर अपना भाई दुखी है तो फिर उसको मदद देने में कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? कि भाई उससे मेरे संबंध ठीक नहीं है, वो मेरे से ढंग से बात नहीं करता, मैं कैसे मदद दूं? नहीं, संकट के समय जितने लोग होते हैं, देखो एक तो क्या होता है कि मद अहंकार के समय एक अलग छवि होती है मनुष्य की, और जब मुसीबत आ जाती है तब वही मनुष्य कुछ नरम पड़ जाता है। तो जिस समय आपको ऐसा लगे कि जो मेरे साथ कठोर बर्ताव करता था वो थोड़ा नरम पड़ रहा है, तो उस समय आप अपनी सद्भावना रख सकते हैं उसके सामने। जो 3 साल से क्षमा नहीं कर रहा था, आज अपने पर मुसीबत आने पर हो सकता है आपको क्षमा कर दे। और फिर अंत में तो सबको सबके लिए क्षमा करना ही है, उसके बिना तो चारा नहीं, कोई पार नहीं हो सकता संसार से। जब तक सबके प्रति आप निर्विकल्प नहीं हो जाएंगे, जब तक आप कषाय भाव रखेंगे तब तक कोई चारा नहीं। तो इस तरह दयायुक्त जो धर्म है और सारभूत है उसी को सम्यक दृष्टि जीव धर्म मानता है, और इसी को सम्यक का कारण भी माना गया है। अष्ट अंग जुत धारो, इस सम्यक दर्शन को 8 अंगों के साथ धारण करना चाहिए। अपन सोच रहे हैं कि हम सम्यक दृष्टि, हमें तो ये सब चीजें मालूम है, हम तो हमारी श्रद्धा बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन 8 अंगों की अगर परीक्षा ली जाए तो क्या होता है? जैसे रौरकपुर के राजा उदयन, उनकी प्रशंसा जब देवलोक में इंद्र ने की तो किसी देव को लगा कि मैं परीक्षा लेकर देखता हूं, ऐसे शुद्ध सम्यक दृष्टि, क्या धरती पर कोई दूसरा सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं है, मैं देखूं इनकी परीक्षा लेकर। तो फिर उनने आकर परीक्षा ली, और ऐसी परीक्षा ली कि बिल्कुल बड़े बड़े जो श्रावक कहलाने वाले लोग थे, दानवीर थे, वो सब उस परीक्षा में निष्फल हो गए। और जब उदयन राजा ने उन देवता मुनि का रूप धारण करके उन आए थे, उनकी ऐसी सेवा की उन्होंने कि जो सेवा कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि उसने देव ने विक्रिया से अपना शरीर इतना भयंकर बना लिया था कि उस दुर्गंध से व्यक्ति बेहोश पड़ जाए, इतनी भयानक दुर्गंध आती थी। तो सब उसने जितना कोशिश बनी उतना सब करके देख लिया, लेकिन फिर भी राजा ने इतनी सेवा की उनकी कि उसका कोई मुकाबला नहीं। उस कथा को अगर पढ़े अपन, उपासक अध्ययन ग्रंथ में आती है वो कथा, क्योंकि यहाँ पर जो उपासक अध्ययन ग्रंथ लिखे हैं, यहाँ रखे हुए हैं, वो उपासक अध्ययन मूल आचार्य प्रणीत ग्रंथ नहीं है। और कुछ हमारा इसमें एक निवेदन ऐसा है कि अगर वर्तमान में कोई साहित्य रचना की जाती है तो पुराने ग्रंथों का नाम उसमें न रखते हुए यदि कोई अपनी तरफ से कोई नया नाम रख दो उस ग्रंथ का तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा। उपासक अध्ययन यहाँ पर लिखा हुआ रखा है, पर ये वो वाला उपासक अध्ययन नहीं है जो 10वीं शताब्दी में आचार्य सोमदेव स्वामी ने लिखा था। उसमें जो कथा दी उदयन राजा की, तो उसको पढ़कर आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी भयंकर कथा दी उन्होंने, ऐसी सेवा की उन्होंने। फिर वो देव जो था वो सोचता है कि मैं किसकी परीक्षा ले रहा हूं, इस पाप का फल मैं कहां जाकर के भोगूंगा, इतने शुद्ध सम्यक दृष्टि राजा की मैं परीक्षा ले रहा हूं। तो फिर उसने अपना असली रूप प्रकट करके उसको प्रणाम किया राजा को कि राजन, मैंने आपको इतना कष्ट दिया, इतनी कठिन परीक्षा ली आपकी, मैं क्षमा चाहता हूं। इंद्र ने आपकी प्रशंसा की थी तो फिर मैं तो मात्र कौतुकवश आपकी परीक्षा लेने चला आया, लेकिन जो प्रशंसा इंद्र ने की थी वो कम थी, और मैंने जो देखा आपके अंदर उसका तो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी आप सेवा करते हैं मुनियों की, आपको बिल्कुल ग्लानी नहीं हुई, आपने मेरी उल्टी को अपने हाथ में समेट लिया, मैंने इतना दुर्गंधित वमन किया और आपने उसको हाथ से समेट कर मेरे शरीर को अपने दुपट्टे से पोंछा,
ऐसी कथा थी वो। तो ये निर्विचिकित्सा अंग, जब परीक्षा होती सम्यक दर्शन के अंगों को देखना चाहिए। अपने को सम्यक दृष्टि समझने के पहले ये देख लेना चाहिए कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन के 8 अंग है कि नहीं। निशंकित अंग, यानी जिनवाणी को पढ़ करके भी मेरे मन में ऐसी शंका तो नहीं होती कि क्या पता ये बातें सच है या नहीं है। ऐसी कई बातें हो सकती मन में। फिर कांक्षा, मैं धर्म के बदले कुछ चाहता तो नहीं हूं। कुछ चाहना सम्यक दृष्टि के लिए संभव है कि वो कुछ चाहता हो, लेकिन अपनी श्रद्धा के बदले या धर्म के बदले कुछ चाहता हो, ये बात निशंकित अंग में बाधक है। फिर निष्कांक्षित अंग में बाधक है। निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा की कि साधुओं के मलिन शरीर को देखकर कभी दुर्गंध आ जाए, कभी मवाद हो जाए शरीर में। एक बार कभी संलेखना चल रही थी और सेवा करने वाले कहीं कफ डालने चले गए उनका, तो फिर जो निर्यापक आचार्य थे वो वहाँ पहुँचे, तो उस समय उसको जो साधक और क्षपक कहलाते हैं उनको जो कफ बढ़ रहा था, तो वो देख रहे थे कि कहाँ पर डालें कफ। उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो निर्यापक आचार्य ने ऐसे अपने हाथ में उनका कफ ले लिया था। पूरा जो मवाद होती है ना कफ, बहुत कफ के कई प्रकार की स्थितियां बनती है। कभी अध कच्चा रहता है, कभी बिल्कुल पका हुआ कफ रहता है, और कभी कभी उसमें से दुर्गंध भी आती है। लेकिन सेवा करने वाले निर्यापक आचार्य जो थे, जो उनके गुरु थे संलेखना के, उन्होंने उस कफ को ऐसे अपने हाथ में ले लिया। कहते हैं कि नैनागिरी की घटना अभी निश्चित तो नहीं मालूम हमें, लेकिन सुना था हमने कि नैनागिर में हमारे गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने इस प्रकार से वो कफ उनका अपने हाथ में ले लिया था। और फिर उसको बाहर जाकर के उन्होंने कमंडल के जल से और उससे शुद्ध कर लिया था। लेकिन सेवा करते समय इतनी भावना होनी चाहिए अंदर में कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ, ठीक है शरीर में तो विकृतियां रहती है, किसका शरीर सोने का है, सबके शरीर में ये सब चीजें भरी रहती है। तो फिर सेवा करते समय इन बातों पर कभी भी ग्लानी का भाव नहीं आने देते कि ये शरीर रत्नत्रय से पवित्र है, भले स्वभाव से अपवित्र है लेकिन रत्नत्रय से पवित्र है, इसलिए वो सेवा करते हैं ग्लानी रहित होकर। यहाँ सम्यक दर्शन की परीक्षा होती है, सिर्फ बातें करने से सम्यक दृष्टि नहीं बन जाता कोई। बातें करो और फिर यहाँ सेवा का अवसर आ जाए तो नाक मुंह सिकोड़ो, और फिर नहीं नहीं हम थोड़ा काम है, दूसरी जगह जाना है मेरे को, बहुत जरूरी काम है, फिर आ जाते हैं, हम अभी आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में आते हैं, ये सब बहानेबाजी है। यही परीक्षा तो है, इसी में समझ में आ जाता है कि अभी कुछ नहीं। वैसे वो जब मुनि आए उदयन राजा के यहाँ, पड़गान हुआ उनका, तो उस समय रोरुखपुर के जो दूसरे श्रावक है वो क्या बोल रहे थे एक दूसरे से कि अरे हमने सोचा था कि तुम पड़गान कर रहे हो, हमें अगर मालूम होता कि तुम नहीं पड़गाते तो फिर हम खड़े हो जाते पड़गान के लिए, होना नहीं था किसी को भी पड़गान के लिए, लेकिन वो तो सिर्फ एक अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, प्रभाव डालने के लिए। लेकिन नहीं, ये निर्विचिकित्सा अंग भी बहुत बड़ी परीक्षा है सम्यक दर्शन की। फिर अमूढ़ दृष्टि, रेवती रानी की कल जो परीक्षा अपन ने कल कथा में सुनी, उसमें भी मालूम पड़ जाता है कि कितनी कठिन परीक्षा होती है, और उसमें प्रलोभन में नहीं आते सम्यक दृष्टि लोग। और उसके बाद जिनेन्द्र भक्त सेठ ने किस प्रकार से उस चोर को अपने शिविर में, अपने तंबू में बचा करके, और जो लोग उसको पकड़ रहे थे उनको डांटा, क्योंकि चोर जो था वो त्यागी व्रती के वेश का धारण करने वाला था। तो फिर चोरी तो पकड़ा गई थी, वैडूर्य मणि लेकर के वो चोर भागा था और सेठ के यहाँ आ गया था, तो सेठ ने उसको अपने तंबू के अंदर सुरक्षित कर लिया था। और जो लोग उसको मारने के लिए आ रहे थे डंडे वगैरह लेकर के, उनको सेठ ने डांटा, बोले कि तुम लोग क्या कर रहे हो, बोले त्यागी को चोर बोल रहे हो तुम लोग। अब वो योग संयोग से सेठ के पास पहुंच गया था तंबू में, लेकिन उसी को लेकर के सेठ ने उसकी रक्षा की और फिर उन लोगों को डांटते हुए कहा कि देखो यदि ये सचमुच चोर होता तो रत्न लेकर मेरे ही पास आता क्या, ये तो भाग जाता कहीं से कहीं, मेरे पास क्यों आया, ये वैडूर्य मणि मैंने बुलवाई है, बोले। और उसके हाथ से वो वैडूर्य मणि ले लेते हैं सेठ, और फिर उन सबको बोलते हैं कि अब चलो इससे क्षमा मांगो, बोले इनसे,
त्यागियों का अपमान करना चाहिए क्या? तो फिर उन्होंने क्षमा मांगी उनसे कि हमें मालूम नहीं था त्यागी जी, और फिर हमने आपको इतना परेशान किया कि आपको भी दौड़ना पड़ा, बोले, जबकि था वो पक्का चोर। लेकिन सेठ जी देखो, धर्म की बदनामी को बचाने के लिए किस प्रकार से उपगोहन कर रहे हैं। तो फिर उसने बेडूर मणि तो ले लिया, और फिर सेठ बहुत बलवान थे, हट्टे कट्टे थे, और उसके बाद जब उन लोगों को उन्होंने वहां से अलग कर दिया, तो फिर इसको चोर को उन्होंने पकड़ा, बोल बेटा अब उनसे तो तेरे को बचा लिया, क्योंकि मेरे को धर्म की बदनामी नहीं करानी थी, लेकिन अब तेरे को नहीं छोड़ने वाला, बोल। त्यागी के वेश में चोरी करता है, और फिर ऐसी डांट फटकार लगाई उसको कि उसके होश ठंडे हो गए, और फिर उसने कान पकड़े कि नहीं, अब कभी जैन धर्म में धर्मात्मा बन करके कभी ऐसे काम नहीं करूंगा। तो ये जिनेंद्र भक्त की कथा आती है उपगुहन अंग में। तो क्या मतलब हुआ इसका? श्रेणिक राजा की भी कथा आती है। क्या था कि श्रेणिक चरित्र में देखिएगा आप, अंत में एक प्रकरण आता है कि एक बार देवताओं की सभा में प्रशंसा हुई श्रेणिक राजा की कि देखो कैसा शुद्ध सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति भी बांध ली उसने, और फिर मुख्य श्रोता भी है महावीर स्वामी के समवसरण में। तो फिर देवताओं ने परीक्षा लेना चाहिए, और परीक्षा क्या ली कि रूप बदला उन्होंने, मुनि का रूप धारण किया, आर्यिका का रूप धारण किया, और फिर इतना भयंकर उन्होंने प्रपंच रचा वहां पर कि मुनि तो तालाब में मछली पकड़ने लगे, और श्रेणिक राजा जैसे ही निकले वहां से, तो फिर श्रेणिक राजा आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि जैन मुनि और तालाब में मछली पकड़ रहा। तो फिर उन्होंने पूछा उनसे कि ये क्या कर रहे हैं आप जैन मुनि होकर के ऐसा कर रहे हैं? तब उन्होंने बोला कि क्या बताऊं, मेरा इस आर्यिका के साथ संबंध हो गया, और फिर इस आर्यिका की अभी गर्भवती है ये, तो इसको इच्छा हो रही है कि मुझे मछली खाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तब फिर श्रेणिक राजा ने जो जवाब दिया है उनको, वो सब उनके साथ वाले जितने लोग थे, किस प्रकार से उन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए उनको वो किया है, वो कथा पढ़ने लायक है। अंत में उन्होंने मुनि से कहा कि अगर तुम ये सब खोटी प्रवृत्तियां नहीं छोड़ते इस मुनि मुद्रा में, तो फिर मैं राजा हूं, याद रखना, मैं मगध का सम्राट हूं, सारे मगध देश का राजा हूं, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, उपगुहन का अर्थ ये नहीं होता कि किसी त्यागी के दोष को छुपा करके रखना मात्र, बल्कि छुपाने के बाद उस त्यागी का दोष कहीं और भी न जाहिर हो, ऐसी व्यवस्था कर देना कि उसमें फिर दोष दोबारा होने की संभावना भी न रहे। उपगुहन का अर्थ दोष छुपाकर उसको छुपा पापी बना देना, ऐसा कदापि नहीं है। दोष छुपा दिया आपने, सम्यक दृष्टि बन गए, और उसका स्थितिकरण नहीं किया, तो क्या होगा कि उसको तो फायदा हो गया कि अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ जैन समाज में, जो मेरे दोष को उजागर भी नहीं होने देते, और फिर मेरा काम भी चलता रहता। ये स्वरूप नहीं है उपगुहन का। उपगुहन का मतलब ये है कि उसके दोषों को जैन धर्म की बदनामी का कारण न बनने देना, किंतु उनको जाकर के सचेत करना कि ये दोष हमें तो मालूम पड़ गया है, और ये याद रखना कि हम दोबारा आपके द्वारा ऐसी कोई करामत या ऐसी कोई घटना नहीं सुनना चाहेंगे, और अगर आपने कुछ आगे इस बात पर ध्यान नहीं दिया, एक तो हम आपको आपके गुरु के पास ले जाना चाहते हैं, हम आपके गुरु को बताएंगे, और अगर आप नहीं चाहते कि गुरु को पता चले, तो फिर आप इसी वक्त इस दोष का त्याग करिए, क्योंकि हम इस दोष का पोषण नहीं कर सकते। उपगुहन का अर्थ ये होता है कि इस दोष से धर्म की बदनामी न होने देना, लेकिन उपगुहन का अर्थ ये नहीं होता कि हम दोष को छुपा दें और फिर वो दोषी बना रहे, नहीं, वो तो फिर अपन भी पापी हो गए। किसी पापी के पाप को छुपाकर उसको छुपे रूप से पाप करने की छूट दे दें, तो फिर अपन पुण्यात्मा कहलाएंगे क्या? कदापि नहीं। उसका स्थितिकरण करना भी आवश्यक है। तो स्थितिकरण में वारिषेण मुनि की कथा आपने सुनी थी, 12 साल तक पुष्पडाल मुनि अपनी स्त्री के राग में बस साथ में घूमते रहे,
लेकिन फिर अंत में वारिषण मुनि ने कैसा स्थितिकरण किया, आपकी स्मृति में परसों बतलाया था। तो इस तरह ये सम्यक दर्शन के अंग है, ये परीक्षा के योग्य होते हैं। अपन सम्यक दृष्टि है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट दूसरे किसी से न मत लो। अपने सम्यक का प्रमाण पत्र आप किसी और से मत लीजिए, देवों से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि मेरे अंदर यदि ये अंग हैं, 8 अंग, तो हो सकता है मैं सम्यक दृष्टि हूं, और यदि ये अंग नहीं है तो फिर मुझे इस पर विचार करना चाहिए, किसी और से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा और अनात्मा को जानना मात्र, देखो उसको जानने मात्र जान लिया, मान लो आपने पारिभाषिक रूप से जान लिया कि आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, लेकिन आपके जीवन में अगर इन 8 अंग रूप प्रवृत्ति नहीं प्रकट हुई